हेलो एवरीवन, मैं सचिन गोयल अपने चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। चैनल का नाम है कंप्यूटर शिक्षा ऑनलाइन और हमारा स्लोगन है सीखेगा इंडिया। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस होता है। तो आज हम सीखेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर जो है कंप्यूटर के पार्ट्स को बोलते हैं, जैसे मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, वो सारे कंपोनेंट्स जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं वो कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं। अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो उसके अंदर प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे एमएस वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, एमएस एक्सेस है, फोटोशॉप, पेज मेकर, कोरल ड्रो, टैली है, जिनका यूज़ करके हम काम करते हैं, वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं। बेसिकली जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो स्पेसिफिक काम के लिए बनाए जाते हैं। जैसे आपको पता है जो टैली सॉफ्टवेयर होता है वो अकाउंटिंग के लिए होता है, जो एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर होता है वो वर्ड प्रोसेसिंग के लिए होता है, एक्सेल सॉफ्टवेयर जो है कैलकुलेशन के लिए होता है। जैसे आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कंप्यूटर अर्थमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशन करता है तो वो एक्सेल में हो जाती हैं। पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशंस वगैरह बना सकते हैं। फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम इमेज एडिट कर सकते हैं। कोरल ड्रो भी एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोगोज वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अब कंप्यूटर हार्डवेयर में जैसे मॉनिटर हो गया, मॉनिटर आपको पता ही है एक आउटपुट डिवाइस होती है। माउस कीबोर्ड हो गए, ये इनपुट डिवाइस होता है। सीपीयू बॉक्स होता है, उसको कैबिनेट भी कहते हैं। जो सीपीयू बॉक्स होता है उसके अंदर भी काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं। उसके अंदर एक मदरबोर्ड होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है जिसको हम सीपीयू कहते हैं। सीपीयू जैसे आपको पहले बताया था ब्रेन होता है कंप्यूटर का, जो भी प्रोसेसिंग का वर्क है वो सीपीयू करता है। हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क में जो भी फाइल वगैरह हम बनाते हैं वो सेव हो जाती हैं और बाद में आप उनको देख भी सकते हैं। सीडी डीवीडी ड्राइव होता है, सीडी के थ्रू हम सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। आजकल सीडी और डीवीडी की जगह पेन ड्राइव ने ले ली है। पेन ड्राइव का आजकल बड़ा यूज़ होता है। बेसिकली पेन ड्राइव का जो यूज़ है वो डेटा ट्रांसफ़र के लिए होता है। मीन्स आप एक कंप्यूटर से फाइल दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर में फॉलो कर सकते हैं। उसके जो लिंक हैं नीचे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। थैंक यू।